नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का फिर से वेलकम। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि 5 तारीख को DFS ने स्टाफ फंड वेलफेयर फंड के बारे में एलोकेशन किया और उसका मेन दो क्राइटेरिया था, बिजनेस मिक्स और स्टाफ स्ट्रेंथ। अकॉर्डिंगली दे हैव एलोकेटेड द स्टाफ वेलफेयर फंड और उन्होंने सीलिंग कैप लगाया था 3% ऑफ द नेट प्रॉफिट। इस संबंध में AIBRF ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन ने 8 अगस्त को एक पत्र सेक्रेटरी DFS को लिखा रिगार्डिंग एलोकेशन ऑफ द स्टाफ फंड्स इन द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। वी फाइंड दैट इन अबव कम्युनिकेशन देयर इज नो स्पेसिफिक मेंशन दैट पार्ट ऑफ वेलफेयर फंड शुड बी यूज्ड फॉर रिटायर्ड स्टाफ। इन द कम्युनिकेशन इशूड बाय DFS ऑन द सब्जेक्ट इन द पास्ट, द डिपार्टमेंट यूज्ड टू मेंशन that part of staff welfare should be used for retirees. Further, it is observed that one of the parameters for allocation of staff welfare funds to different public sector banks fixed is staff strength of the bank. However, under this parameter, retirees number has not been considered. As you are aware, in all public sector banks, retiree staff strength is feasible and most of the cases, it is almost equal to employee strength. We are of the view that the aspect needs to be taken into consideration and then banks should be categorized. We earnestly request you to kindly consider the above mentioned aspect and issue suitable amendment clarification so retirees get due allocation in staff well fund and justice is done to them. यानी कि जो staff welfare fund allocate हुआ है उस क्राइटेरिया में रिटायरीज का भी नंबर कंसीडर करने किया जाए और कुछ ऐसा हो कि उनका भी फंड स्टाफ वेलफेयर फंड में उनको भी शेयर किया जाए ताकि उनके भी प्रॉब्लम को रिलीफ मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।